नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नव भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कला एवं संस्कृति के पाठ राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक चहेता पाठ है लोक देवता। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे लोक देवताओं के बारे में कि लोक देवता क्यों बने, कैसे बने और कौन कौन से लोक देवताओं से जुड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात शुरू करेंगे लोक देवता। लोक देवता कैसे बने और बनने के पीछे क्या रीजन रहा, किसे कहते हैं देवता, क्या कोई स्पेशल व्यक्ति होते हैं। आपके जो श्री कृष्ण जी जो हैं, उन्होंने महाभारत के युद्ध के टाइम पर गीता में अर्जुन को उपदेश के समय एक बात कही थी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् ही धर्मस्य तदात्मनम् सृजाम्यहम्। कि हे अर्जुन, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, पुण्य की हानि होगी, तब तब मैं पुण्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवतार ग्रहण करूंगा, किसी न किसी रूप में मैं इस धरती पर आऊंगा। ठीक है, मेरा स्वरूप, मेरा रंग रूप आकार अलग होगा, लेकिन वह मेरा ही स्वरूप होगा। तो हाँ, आज जिन्हें हम लोक देवता कहते हैं, साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है देवता। तो हमारे ऐसे महापुरुष, ऐसे पुरुष जो इस धरती पे आए और जिन्होंने देवताओं के तुल्य काम किए, जिन्होंने समाज को उठाने का काम किया, समाज के भले के लिए लोक कल्याणकारी काम किए, जिनके कार्य जो थे वो सराहनीय थे, समाज के लिए कल्याणकारी थे, तो उन व्यक्तियों को हमने देवताओं की तरह पूजा, उन व्यक्तियों को हमने देवताओं की तरह माना और वो व्यक्ति लोक चलन में लोक देवता के नाम से जाने गए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रीट पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, आरपीएससी का लगभग लगभग सभी एग्जाम्स जो है उनके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और ऐसा जिस भी एग्जाम के अंदर राजस्थानी कला संस्कृति शामिल है वहां पर लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। और लोक देवता चूंकि राजस्थान की जो संस्कृति है, उस हम राजस्थान के निवासी हैं, तो हमें राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की कला के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है, इसीलिए आपके सिलेबस में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, रामदेव जी और इधर गोगा जी। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है पंच पीर पार्ट वन, पंच पीर। सबसे पहले बात करें पंच पीर किसे कहा गया है। पंच पीर मतलब राजस्थान के मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर पांच लोक देवता सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। ठीक है, जिस भी कोई भी शुभ काम होता है, कोई भी अच्छा काम होता है, तो उसमें इन पंच पीरों की पूजा जरूर की जाती है, इन पांच देवों की पूजा जरूर की जाती है। तो मारवाड़ के क्षेत्र में ये पांच जो देव हैं, इन्हें पंच पीर के नाम से जाना गया है। तो पंच पीरों को सबसे पहले हम जानेंगे। पंच पीर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पुटअप होता है और पहला क्वेश्चन यही होता है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं और मिस क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से पंच पीर में किस देव को शामिल नहीं किया जाता। तीन नाम तो पंच पीरों में से होता है, एक नाम अलग दे दिया जाता है या फिर मिलान वाले क्वेश्चन में भी इसको शामिल कर लिया जाता है। तो देखते हैं इसकी क्या ट्रिक है, कैसे इसको याद किया जाए। ठीक है, उसको जानने से पहले कि पंच पीर कौन कौन से हैं, सबसे पहली बात आपको और बता देना चाहूं कि हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, सिलेबस हमारा समुद्र के जैसा होता है। ठीक है, और हम पढ़ते किसकी तरह है, नदी की तरह पढ़ते हैं, हम नदी की तरह पढ़ते हैं, समझते किसकी तरह है, कुएं की तरह समझते हैं। एग्जाम में याद कितना आता है, बाल्टी की तरह समझ याद आता है, नंबर कितने आते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं और फिर उसमें डूब के मर जाने का मन करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिलेबस हमारा समुद्र की तरह है, तो हमें अगस्त ऋषि की तरह बनना पड़ेगा कि हम उस सिलेबस को कैसे हमारे घट के अंदर उतार जाएं। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए इस टॉपिक में। देखिए, ज्यादा न पढ़ करके आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उन पर फोकस करना होगा। जैसे जन्म, किसी भी लोक देवता के बारे में हम बात करेंगे तो जन्म से जुड़ी हुई बात, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता और पिता, उनका मेला वगैरह जो लगता है, कब लगता है, कहाँ लगता है, उनके उपनाम क्या है। ठीक है, तो लोक देवताओं के बारे में
जन्म कब कहाँ हुआ? माता और पिताओं का नाम जो है अक्सर पूछा जाता है कि उनके माता पिता को है, उनके मेला वगैरह कब लगता है, कहाँ लगता है और उनके उपनाम क्या है, ठीक है, उनके उपनाम के द्वारा भी कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है, और उनके जीवन की ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना जो अगर हुई है, जो उनसे जुड़ी हुई है, तो उनके जीवन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण घटना है उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप होता है। तो लोक देवताओं को पढ़ने से पहले हमने एक चीज को जाना कि आखिरकार क्वेश्चन कहां से पुटअप होता है। कहते ना कि सार सार को गा है था थोता दही उड़ाए, कि हमें तो जो सार सार जो है ना, जो उसका कॉन्क्लूजन है वो भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जो चीजें हैं उसमें से हमें वो जो काम की चीज है, गेहूं की बाली में से हमें केवल गेहूं चुनना है, बाकी जो कचरा है वो थोड़ी खाना है, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, और ये चीजें हमें हमारे सिलेबस के अंदर से इस प्रकार से पढ़नी है कि बस दिमाग में छप जाए। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं लोकदेव में, कि लोकदेवों का लोक देवता कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे याद रखा जाए। देखिए यहां पर एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें आप राजस्थान के जो पंच पीर है उन पंच पीरों का नाम याद रख सकते हैं। आपको पता है देव हमारी रक्षा करने के लिए होते हैं, हम देवताओं से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि सभी देव हमारी रक्षा करें, ठीक है। तो हमें इन पंच पीरों से भी क्या मांगना है, इन पंच पीरों से भी आपको पहरा मांगना है। क्या मांगना है, देखो ये मांगे लिखा हुआ है, इसको आपको करना है मांगो, क्या करना है मांगो। इसको आपको मांगो करना है, क्या मांगो पहरा, मतलब आपको इन पंच पीरों से क्या मांगना है, पहरा मांगना है। अब आपने कहा सर पंच पीरों से पहरा मांगना है, इसका क्या मतलब है, तो देखिए मांगो में जो मां है इस मां का मतलब है मांगलिया जी, पहला जो नाम है मां, मां से मतलब क्या है मांगलिया जी। मांगो पहरा, क्या मांगो उनसे पहरा मांगो कि हे देवो आप हमारे दुष्टों से, आप दुष्टों से और दुखों से हमारी रक्षा करें, तो आप हमारे पहरे के रूप में काम करें। तो मांगो पहरा, तो मां से मांग लिया जी मेहा जी, गो गो से क्या बना, गो से बना गोगा जी, है ना, यहाँ पर गे भी है, मांगे पहरा तो गे से बना सकते, लेकिन आपको सीधा बनाना है गो, मांगो पहरा तो गो से क्या बना गोगा जी चौहान। पहरा, पहरा का जो पहला शब्द है, पहला का पहला शब्द है प, तो पैसे क्या बना पाबूजी, पाबूजी राठौड़। फिर आगे है से बना है हड़बूजी, हड़बूजी, और रा से बना है रामदेव जी, रा से बना है रामदेव जी, रामदेव जी तंवर, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं रोने जा रहा धनिया वाला, ठीक है। तो बात ये कर रहे हैं कि हमने ट्रिक से इन पंच पीरों को याद किया, इन पंच पीरों को जाना कि कौन कौन से हमारे राजस्थान की संस्कृति के पांच पीर फेमस है, पांच पीर जाने जाते हैं। तो पंच पीरों से हमें क्या मांगना है पहरा, मां से मांगलिया जी, मांगो गो से गोगा जी, पहरा पैसे बाबू जी, है से हड़बू जी, और रा से रामदेव जी। तो ये तो ट्रिक हो गई हमारे पंच पीरों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है। तीन नाम दे दिए जाएंगे और एक नाम रामदेव जी की जगह दे दिया जाएगा तेजा जी, और आपको पता है कि तेजा जी की भी पूजा राजस्थान में खूब जोरों शोरों से होती है, और फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि यार तेजा जी की पूजा खूब जोरों शोरों से होती है, तो तेजा जी लोक देवता है तो क्या वो पांच पीरों में शामिल है, और हम गलती से क्या करते हैं इसी को ट्रिक लगा देते हैं। तो बात कर रहे हैं कि लोक देव तो है लेकिन पंच पीरों में शामिल नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। आज हम जिन लोक देवता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उन लोक देवता का नाम है रामदेव जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूं हमारे मारवाड़ के रोणेचे का, जो धनी है पोकरण के, जैसलमेर के, राजस्थान के पंच पीरों के जो सरताज हैं, मैं सबसे पहले तो उन्हें नमस्कार करता हूँ, श्री रामदेव जी महाराज को, ठीक है, जो कि राजस्थान का नाम अमर कर दिया, और राजस्थान का नाम, इनका नाम और राजस्थान का नाम आज विश्व लेवल पर लिया जाता है। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले
हम रामदेव जी के इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं कि रामदेव जी का इंट्रोडक्शन, रामदेव जी के माता पिता कौन हैं, रामदेव जी की पूजा वगैरह कहाँ कहाँ पर होती है। तो जो आप डायग्राम देख रहे हैं और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर दो तीन नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले रामदेव जी जो हैं उनके पिताजी की मैं बात कर रहा हूं, तो उनके पिताजी हैं अजमल या अजमल तंवर, ठीक है। तो अजमल तंवर इनके पिताजी थे, अजमल जी तंवर कौन थे, इनके पिता। दूसरे थे, दूसरा नाम है मैनादे। मैनादे की बात करूं तो ये इनकी माँ है। मैनादे कौन है, इनकी माँ। बात करता हूं वीरमदेव, तो वीरमदेव कौन है, इनके वीरमदेव इनके बड़े भाई। लाचा और सुगना, लाचा और सुगना की बात करें तो आपने सुना होगा लाचा सुगना थारी करे थारी आरती। तो लाचा और सुगना, आपको पता है आरती कौन करती है, जब फंक्शन वगैरह होता है तो बहने आरता करती है ना राजस्थान में, तो लाचा और सुगना कौन है, लाचा और सुगना इनकी बहन है, ठीक है। और डालीबाई, डालीबाई जो है, डालीबाई इनकी धर्म की बहन है, मुंह बोली बहन है। डालीबाई जो है, डालीबाई इनकी धर्म की बहन है, ठीक है। और यहां पर आप दो पिक्चर देख रहे हैं, एक तरफ श्री कृष्ण जी हैं और एक तरफ बलराम जी हैं। श्री कृष्ण जी और बलराम जी का यहां पर पिक्चर देने के पीछे ये उद्देश्य है कि जो रामदेव जी हैं, जो रामदेव जी जो हैं वो श्री कृष्ण के अवतार है, द्वारकानाथ के, द्वारकाधीश के अवतार है, ठीक है। और भाई जो वीरमदेव जी हैं, ये वीरमदेव जी जो हैं वो किसके अवतारी हैं, ये भाई बलराम के अवतारी हैं। ऐसे कहते हैं कि अजमल जी जो थे इनके कोई संतान नहीं थी, और अजमल जी जो थे वो द्वारकानाथ के बड़े भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। जब इनके कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने जो बाड़मेर, इनका गांव है बाड़मेर, से पैदल यात्रा की और गुजरात द्वारकाधीश तक वहां पर नंगे पैर गए और वहां जाकर के श्री कृष्ण जी से विनती की कि हे प्रभु, लोग बाग मुझे गलत नजरों से देखते हैं क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। जब इन्होंने जाकर के द्वारकानाथ से वहां पे जाकर प्रार्थना की, तो ऐसे कहते हैं कि इनकी भक्ति बहुत बड़ी थी, इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रभु श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं तेरे घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और द्वारकानाथ जी खुद इनके घर पे पुत्र के रूप में जन्म ली। कुछ साइन दिए थे कि जब मैं जन्म लूंगा तो ऐसे कुछ साइन मिलेंगे, और ऐसे कहते हैं कि वो साइन सत्य हुए। और जब इनका जन्म हुआ तो जो सूखे हुए, केवदंती है कि जो सूखे हुए जो पेड़ थे वो भी हरे हो गए थे, घर में रखा हुआ जो पानी के जो मटके थे उनमें दूध बन गया था। तो बात ये कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी और बलराम जी जो थे, इनका अवतार रामदेव जी और वीरमदेव जी के रूप में रोणिचा के राजस्थान में हुआ। अच्छा, अब बात कर रहे हैं, ऊपर दिया हुआ है एक झंडा बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है नेजा पांच रंग की ध्वजा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रामदेव जी जो है, रामदेव जी का झंडा जो है उस झंडे को नेजा कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि नेजा क्या है, या फिर रामदेव जी के झंडे को किस नाम से पुकारा जाता है। तो रामदेव जी की जो ध्वजा है, जिसे हम ध्वजा कहते हैं, झंडा कहते हैं, वो पांच रंगों की है, और ये पचरंगी जिसे हम कहते हैं, ये पचरंगी ध्वजे को यहां पर नेजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रामदेव, देखो जो भी मंदिर होते हैं उन मंदिरों में मूर्तियों की पूजा होती है, ठीक है, लेकिन यहां पर मूर्ति की पूजा न होकर के यहां पर भगवान रामदेव जी जो हैं उनके जो चरण कमल है, उनके जिन्हें चरण कमलों को हम क्या कहते हैं, पगले, चरण कमल जो है उन चरण कमलों की पूजा होती है। उन चरण कमलों को हम क्या कहते हैं, पगले कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामदेव जी के पूजे जाते हैं मूर्ति को
चरण चिन्हों को, ठीक है, या फिर उनकी लाठी को या उनके झंडे को, ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स बना के दे दिए जाते हैं, ऑप्शंस होते हैं, और उनमें से राइट आंसर क्या होता है, उनके चरण कमल जो होते हैं, उनके जो पगले जो होते हैं, उन पगलियों की पूजा की जाती है। फिर बात करते हैं इनके स्थान। तो देखिए रामदेव जी का जो जन्म होता है, तो रामदेव जी का जन्म हुआ बाड़मेर। कहां हुआ रामदेव जी का जन्म? कहां हुआ? बाड़मेर, ठीक है। रामदेव जी के जो पूजनीय स्थल है, जहां पर रामदेव जी की पूजा होती है, तो उन पूजा वाले जो स्थान है, उनमें से सबसे बड़ा मंदिर जो रामदेव जी का जो राजस्थान में है, वो है रामदेवरा। कौन सा है? रामदेवरा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर अगर रामदेव जी का है तो वह है रामदेवरा। उसके बाद में मसूरिया जोधपुर जो है, मसूरिया जोधपुर में भी रामदेव जी की पूजा होती है। अब आप कहेंगे सर मसूरिया जोधपुर का क्या संबंध है? तो मसूरिया जोधपुर, मसूरिया की जो पहाड़ी है जोधपुर में, वहां पर इनके गुरु थे, इनके गुरु थे बालीनाथ जी या बल्लीनाथ जी, है ना, कई जगह बल्लीनाथ जी या बालीनाथ जी। तो बल्लीनाथ जी जो उनके गुरु थे, इनके गुरु की वहां पर समाधि है, इनके गुरु का मंदिर है, तो इनके गुरु के मंदिर के साथ में इनका भी मंदिर है, तो इनका मंदिर होने के कारण की यहां पर भी पूजा होती है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। इसके अलावा सूरतखेड़ा चित्तौड़, यहां पर भी इनकी पूजा होती है ना, और छोटा रामदेवरा। अच्छा एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा, अगर क्वेश्चन बनता है, देखिए क्वेश्चन बनता है राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, जिसे हम कहते हैं मिनी, जिसे क्या कहते हैं? मिनी रामदेवरा। तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा अगर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा है वो बनता है अजमेर। तो राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा जो है वो है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा अजमेर है, और अजमेर में खुंडियास जगह है। कौन सी जगह है? खुंडियास। अजमेर के जो खुंडियास जो है, ये खुंडियास जो जगह है, इसको राम, यहाँ पर भी रामदेव जी की पूजा होती है, और इसको छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा तो खुंडियास अजमेर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये बन जाए कि भारत में छोटा रामदेवरा कौन सा है, तो भारत में छोटा रामदेवरा के नाम से गुजरात को जाना जाता है, ठीक है। तो भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात, ठीक है, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा, तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास, ठीक है। ये कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है, यहां से पुटअप होते हैं। अच्छा तो ये तो हमने जाना कि ये सभी चित्र जो आपको इस पेज पे देखने को मिले। फिर बता रहा हूं श्री कृष्ण जी के अवतार। अच्छा श्री कृष्ण जी के अवतार थे, लेकिन एक बात बीच में और बता रहा हूं कि जो रामदेव जी जो थे, वो रामदेव जी किस वंश के थे? तंवर वंश के थे, ठीक है। और ये अर्जुन, अर्जुन के वंशज थे, अर्जुन के वंशज, ध्यान रखना। रामदेव जी जो थे वो श्री कृष्ण के अवतार थे, और यहां पर जिस पीढ़ी में उन्होंने जन्म लिया है, वो पीढ़ी कहां से चली आ रही है? तो वो पीढ़ी वो अर्जुन के वंशज थे। किसके वंशज थे? अर्जुन के, ठीक है। चलते हैं अगले पेज की ओर। रामदेव जी पंच पीरों में से एक, जन्म स्थान आपको मैं बता चुका, उड़कासमेर, शिव तहसील बाड़मेर, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाबेरी बीज मनाई जाती है, तो बाबेरी जो बीज है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था,
ठीक है, भगवान रामदेव जी का इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए बाबेरी बीज के नाम से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जो है वो मनाई जाती है। और कहाँ हुआ था? तो ये उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। घबराने की आवश्यकता नहीं, अगर नाम याद नहीं हो रहा तो अभी मैं आपको कुछ समय बाद अभी ट्रिक्स दूंगा, उसमें एक ही झटके में सारे बिंदु याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार हम उसको जानना समझना जरूरी है। माता पिता के बारे में हम आपको बता चुके हैं, बताया कि गुरु बालीनाथ जी, गुरु कौन थे इनके? बालीनाथ जी, ठीक है। रामदेवरा जो स्थान है, रामदेवरा स्थान, रुणेजा जो स्थान है, वो पूजनीय क्यों है? क्योंकि वो इनका समाधि स्थल है, उनका समाधि स्थल है। देखिए, रामदेव जी जो थे, रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार थे और इनके जन्म के समय से ही चमत्कार होने शुरू हो गए थे। मैंने बताया आपको, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जब मैं जन्म लूंगा तो उसका कैसे पता लगेगा कि मैं स्वयं तेरे घर जन्म लूंगा, तो तुझे चमत्कार मिल जाएगा। मतलब अजमल जी को ये आश्वासन दिया था कि आपको चमत्कार मिलने शुरू हो जाएंगे, जब मेरा जन्म होगा तो उस समय पर आपके घर के अंदर जो पानी के जो बर्तन रखे हुए हैं उनके अंदर दूध बन जाएगा, सूखे हुए पेड़ जो है वो लहरा जाएंगे। ऐसा कहता है कि उनके जन्म पर ऐसा ही हुआ। राजस्थान का जो ये समाधि जो स्थल है राम सरोवर, यहां पर पानी की कमी थी, इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए रामदेव जी ने ही राम सरोवर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इनका जो समाधि स्थल जो है वो राम सरोवर की जो पाल है, जो दीवार है, वहीं पर ही है। और ये रुणिचा धाम कहलाता है, जो कि जैसलमेर प्रांत में है, राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर है। और भाद्रपद शुक्ला एकादशी, मैंने जब त्योहार पढ़ाए थे उस समय आपको मैंने बताया था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हिंदी महीने में 15-15 दिन का पखवाड़ा होता है, ठीक है। और 15 दिन का जो पहला पक्ष होता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, 15 दिन का जो दूसरा पक्ष होता है अमावस्या के बाद वाला पक्ष उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो यहां पर भाद्रपद भादवे के महीने का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ठीक है, उस एकादशी को इनकी समाधि, इन्होंने समाधि ली थी। तो ध्यान रखना, इनका जो मेला लगता है इनका ये मेला बाबेरी बीज से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से कब तक लगता है? एकादशी तक लगता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 10 दिन तक इनका ये मेला चलता है, 10 दिन तक इनका ये मेला चालू रहता है, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं, तो इनका जो ये मेला है वो 10 दिन तक चलता है, ठीक है। द्वितीया से शुरू होता है, जन्म से शुरू होता है, समाधि इसका जो दिन था एकादशी, उस दिन तक इनका मेला चलता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो हो रही है वो ये है कि रामदेव जी जो है, रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम, देखिए भारत में, भारत जो है पंथ निरपेक्ष देश है और यहां पर सभी धर्मों को वरीयता दी जाती है, सभी धर्मों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। और यहां पर जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में से दो धर्म हमारे यहां पर सबसे ज्यादा हैं, एक तो है हिंदू धर्म और दूसरा है मुस्लिम धर्म। और आपको बता दूं कि रामदेव जी जो है इनकी पूजा, इनको मानने वाले भक्तों में हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या बराबर है, इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों इनकी पूजा करते हैं, दोनों इनको मानते हैं। जहां रामदेव जी को हिंदू जो भक्त हैं वो रामदेव जी के रूप में, भगवान के रूप में पूजते हैं, वहीं मुस्लिम जो भक्त है वो इनको रामसा पीर के रूप में जानते हैं। बोलिए रामसा पीर की जय हो। तो बात करते हैं, इसीलिए क्योंकि यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में कंधे से कंधा मिलाकर के भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं, इसीलिए इस मेले को जो है वो सांप्रदायिक एकता की मिसाल कहा जाता है, इस स्थल को सांप्रदायिक एकता की मिसाल कहा जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर दो ऐसे देव हैं, पहला रामदेव जी और दूसरे गोगा जी, दोनों के मेलों के अंदर, दोनों की पूजा के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना देखने को मिलती है, सांप्रदायिक सद्भावना दोनों जगह देखने को मिलती है।
गोगा जी के वहां पर भी और रामदेव जी के, और दोनों ही पंच पीरों में शामिल होते हैं। अब मुस्लिम भक्त इनकी पूजा क्यों करते हैं वो भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और गोगा जी की मुस्लिम भक्त पूजा क्यों करते हैं वो जब गोगा जी का हम टॉपिक पढ़ेंगे तब उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि सांप्रदायिक एकता की मिसाल किस पंच पीर से संबंधित है। अगर ऑप्शन में दोनों आता है तो दोनों करेंगे, वरना गोगा जी आएगा तो गोगा जी करना पड़ेगा, रामदेव जी आएंगे तो रामदेव जी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त इनके पूजा करते हैं, और जो व्यक्ति पैदल चल करके इनके मेले में पहुंचते हैं उन्हें हम जातरु कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें जातरु कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जातरु, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये बात हम कर चुके हैं कि इनको कृष्ण का अवतार कहते हैं, इनको रामसा पीर कहते हैं। मुस्लिम जो भक्त हैं इनके वो इन्हें रामसा पीर कहते हैं, ठीक है। और इनको रुणिचा राधनी कहते हैं। रुणिचा जो क्षेत्र है उसका मालिक, धनी मतलब मालिक, तो रुणिचे का मालिक कहते हैं इनको, रुणिचा राधनी हमारा। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी इनको माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना भी यहाँ पर देखने को मिलती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग मिल करके आपस में यहाँ पर भाई भाई की तरह रह करके इनकी पूजा करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए मांगी बाई, मंजीरे, कामड़ और रावण हत्ता। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इनकी दो बहनें थी, लाछा बाई और सुगना बाई। इनकी एक धर्म की बहन भी थी, डाली बाई, ठीक है। डाली बाई जो थी उनके बारे में, तो इनकी दो बहनें थी सुगना और लाछा, और तीसरी जो धर्म की बहन थी वो थी डाली बाई, ठीक है। अब डाली बाई की हम जो बात कर रहे थे, तो डाली बाई जो है किंवदंती है कि रामदेव जी को एक बड़ के पेड़ के पास, या बड़ के पेड़ पे, ऐसे कहते हैं कि जैसे एक अनाथ जो बच्ची होती है, कई जगह ये सुनने को मिलती है, देख ये पढ़ने को मिलता है, कई जगह सुनने को मिलता है कि डाली बाई जो थी वो बड़ के पेड़ पे, छोटा सा जो पालना होता है उस पालने के अंदर 6 माह की एक बच्ची थी, उसको कोई बिठा करके बांध के चला गया, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब वो जो रामदेव जी एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उस समय एक मेघवाल जाति की जो एक कन्या थी, ठीक है, जो वहां पर आती है और रोती हुई आती है, तो रामदेव जी इसको गले लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि तू क्यों रो रही, तो कहती है कि मैं अछूत हूं और मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो कहते हैं कि उसको गाँव से निष्कासित कर दिया था, ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो डाली बाई जो है, डाली बाई रामदेव जी जो थे उन्होंने अछूत उद्धार के लिए काम किया, और डाली बाई जिसे जिसे डाली पर बैठा हुआ मतलब एक पाले के अंदर मिला था, मिली थी रामदेव जी को, वो डाली बाई को ऐसे कहते कि वो मेघवाल जाति की थी, और मेघवाल जाति की जो थी, ठीक है, उसे शूद्र वर्ग में माना जाता था। तो उस समय पर अछूत छुआछूत बहुत ज्यादा थी, तो छुआछूत होने के कारण जब रामदेव जी ने उनको अपनाया, उनको अपनी बहन करके माना, उनको अपने घर में रखा, तो लोगों ने उसका विरोध किया। तो रामदेव जी ने यहाँ पर अछूत उद्धार के लिए भी काम किया और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए काम किया कि सब एक है, कोई जाति पाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो जाति पाति का भेद इन्होंने मिटाया। और ऐसे कहते हैं कि जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं आज भी वो इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, और मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो रिखिया कहलाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है शब्दावली में से कि रिखिया क्या है, तो रिखिया मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। अच्छा, यहां पर जो चित्र आप देख रहे हैं, तो यहां पर एक तरफ ये रावण हत्ते का चित्र है। इनके मेले के अंदर 13 ताली नृत्य जो है, ठीक है, खासतौर से जो मेघवाल जाति कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं, वो कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली। अभी कामड़िया पंथ क्या है? देखिए, मैंने बताया ना आपको, रामदेव जी ने अछूत उद्धार के लिए जो काम किया, रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए जो काम किया, ठीक है, एक नया पंथ चलाया, उस पंथ का नाम क्या है? उस पंथ का नाम है कामड़ पंथ।
तो वो कांवड़िया पंथ कहलाया। और कांवड़िया पंथ के जो लोग हैं वो रामदेव जी के मेले में, खास तौर से कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं रामदेव जी के मेले में अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांध करके 13 कलाओं का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, तो वो जो 13 कलाओं का प्रदर्शन करती हैं 13 मंजीरे बांध करके, उसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। और 13 ताली नृत्य की जो सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना रही, ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना थी मांगी बाई। 13 ताली नृत्य की जो सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना का नाम अक्सर पूछा जाता है कि 13 ताली नृत्य की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना कौन थी, तो 13 ताली नृत्य की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना का नाम जब लिया जाता है तो सर्वोपरि है मांगी बाई। क्लियर? तो मैंने आपको यहां पर बताया कि एक तो कामड़िया पंथ, और कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया, ठीक है, इन्हीं कामड़िया पंथ में से एक थी आई माता, ठीक है, जिन्होंने आई पंथ चलाया, वो भी रामदेव जी की शिष्या थी, बिलाड़ा जोधपुर जो है। अब बातें कर रहे हैं कि कामड़िया जो पंथ है, ये कामड़िया पंथ में 13 ताली नृत्य के लिए मंजीरे काम आ गए। रामदेव जी की फड़का जब वाचन होता है तो रामदेव जी की फड़के वाचन के साथ में ये रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है ये बजाया जाता है। ये रामदेव जी की फड़का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है, इसको बजाया जाता है। ये कुछ आज के समय की जो वायलिन है उस वायलिन से मिलता हुआ है, ऐसे कह सकते हैं कि फादर ऑफ द वायलिन, वायलिन का जनक। क्यों? क्योंकि वायलिन भी इस तरह से बनती है, एक तारा, तंदूरा, रावण हत्ता, जो ये सब इसी तरह के बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो गज कही जाती है, इसको हम गज कहते हैं, और इस गज से इस रावण हत्ते को बजाया जाता है। ये इसमें 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो वो होते हैं, इनको टाइट करने के तार खींचने के लगे होते हैं, और इनसे इसको बजाया जाता है। तो बात कर रहे हैं कामड़ पंथ चलाने वाले कौन थे, तो कामड़ पंथ चलाने वाले रामदेव जी थे, ठीक है। कांवड़िया पंथ में, कांवड़िया पंथ की क्या जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य, और 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरे, 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, और 13 मंजीरे बांध करके 13 प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। और 13 ताली नृत्य की सर्वोत्तम नृत्यांगना कौन, तो मांगी बाई। क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। ये रामदेव राव रुणीचा जो जैसलमेर जो है, ये बाबा का मंदिर की फोटो है, बाबा का जो मंदिर है उसका दृश्य है, रामदेव राव रुणीचा में है इनका मंदिर। तो क्वेश्चन बनता है कि रामदेव जी का मुख्य स्थल कहाँ पर है, तो रुणीचा में है। अच्छा ये समाधि स्थल है बाबा का। और इधर हम बात करते हैं, आपको एक गोलाकार आकृति दिख रही है, तो ये क्या चीज है, ये कंगन है। ये क्या है, हाथों में जो कंगन पहनती है महिलाएं वो कंगन है। सर ये कंगन किसका है, ये कंगन क्यों बना हुआ है, तो ये कंगन है डाली बाई का। किसका कंगन है, डाली बाई का। डाली बाई का जो प्रेम था रामदेव जी के प्रति वो चरम सीमा का था, सर्वोत्कृष्ट था। आज एक सगी बहन, रियल जो बहन होती है, वो भी अपने भाई के लिए इतना प्यार नहीं करती जितनी डाली बाई जो थी, वो धर्म की बहन थी लेकिन वो रामदेव जी से इतना प्रेम करती थी, ठीक है। जितना प्रेम मीराबाई, जितना प्रेम राधा जी श्री कृष्ण से करती थी, बस फर्क इतना है कि उनका प्रेम जाना जाता था एक पति और पत्नी के रूप में, या फिर एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में। यहां पर ये जो प्रेम जाना गया ये भाई और बहन का प्रेम है। ऐसा क्या मिसाल है सर? देखिए जब रामदेव जी समाधि लेने के लिए जिस दिन जाते हैं, डाली बाई को पता लग जाता है, तो डाली बाई समाधि स्थल पर पहुंच जाती है, और पहुंच करके जब वो समाधि के लिए जो स्थान रामदेव जी चयन करते हैं वहां पर डाली बाई पहुंच जाती है, और पहुंच कर कहती है कि वीरा ये स्थान तो मेरा है। रामदेव जी कहते हैं कि नहीं बहन, ये स्थान तो मेरा है, आप क्या सबूत है कि स्थान आपका है। बोले बहन भाई ये स्थान तो मेरा है, जहां आप समाधि लेंगे उससे एक दिन पहले समाधि मैं लूंगी। भाई ने तय किया कि मुझे एकादशी को समाधि लेनी है, कल समाधि लेनी है, तो डाली भाई ने कहा ये समाधि स्थल मेरा है और मैं इसमें समाधि आज ही लेने को तैयार हूं।
धन्य है ऐसे भाई और बहन जिन्होंने, ऐसी बहन जिन्होंने अपने भाई से पहले समाधि ले ली। तो जब समाधि उस स्थल को खोदा गया, खुदाई की गई, तो वहां पर ऐसे कहते हैं कि डाली बाई ने अपने चमत्कार स्वरूप वहां से कंगन जो पहनते हैं, चूड़ियां जो हम कहते हैं कंगे, कुछ बाल जो थे वहां से प्रकट करके दिखाए कि भाई अगर तुझे विश्वास नहीं हो तो यहाँ पर खुदाई करके देख ले, स्त्री के जो आभूषण वगैरह होते हैं, जो पहचान होती है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इसलिए ये मेरा स्थल है और आपसे पहले समाधि मैं लूंगी। जब खुदाई की गई तो वास्तव में कंगन वहां से निकला। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो कंगन जो बनाया गया, प्रतीकात्मक जो चिन्ह है, ये कंगन उसी डालीबाई की याद में बनाया गया है। इसके अंदर से कितना भी बड़ा सा मोटा से मोटा भक्त हो उसमें से निकल जाता है। ऐसा कहते हैं कि इसके नीचे से निकलने से मनोकामनाएं पूरी होती है। डालीबाई का रामदेव जी के प्रति समर्पण और रामदेव जी का डालीबाई के प्रति जो आशीर्वाद है, जो भाई बहन का जो प्यार है, वो आज भी मनोकामनाएं पूरा करने वाला कंगन कहा जाता है। हाँ, ये माला आप देख रहे हैं, माला इस पे चढ़ी हुई है और ये कंगन आज भी अगर आपको कभी जाने का मौका मिले रामदेवरा, तो जरूर इस कंगन के अंदर से होके जरूर निकलिएगा, ये देखने को वहां पर मिलता है, मान्यता है ऐसी। अच्छा, अब बात करते हैं मक्का और पंच पीरों की कि आखिर मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो इन्हें क्यों पूजते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग इन्हें पंच पीर पीर के रूप में कैसे, रामसा पीर के रूप में कैसे मानते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतारी थे और इनकी जो चर्चाएं थी, इनके जो परचे थे, इनके जो परचम थे, वो जन्म से ही थे। ये जब बाल्यावस्था में थे तो भैरु नाम का एक राक्षस था। राक्षस क्या था, एक व्यक्ति था लेकिन उसकी क्रियाकलाप जो थे वो राक्षस पने के थे, ठीक है। तो भैरु राक्षस नाम का एक पोकरण में एक राक्षस था और उससे लोग बाग काफी परेशान थे, उसने लोगों को काफी परेशान कर रखा था। तो जब रामदेव जी को इसको पता चला तो रामदेव जी ने बाल्यावस्था में उस भैरु राक्षस का वध किया। एक बार इनकी बहन के पुत्र को सर्प ने डस लिया तो रामदेव जी ने उसको वापिस जीवित कर दिया, राम सरोवर बनाकर वहां पर पानी की पूर्ति की। तो ऐसे कहते हैं कि रामदेव जी के चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार जब हो रहे थे तो इनके चमत्कारों की चर्चा मक्का मदीना, जो कि मुस्लिम धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, मुस्लिम धर्म का एकमात्र पूरे विश्व स्तर पर जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है मक्का है, वहां तक इनकी चर्चाओं के पर्चे पहुंच गए। जब रामदेव जी की चर्चाओं के पर्चे मक्का तक पहुंच गए तो मक्का से वहां के पांच पीर जो कि मुस्लिम धर्म के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, वहां से पांच पीर आए कि हम जाकर के उनकी परीक्षा लेंगे कि हम देखते हैं कि वो कितना चमत्कारी पुरुष है। और जब मक्का से आए पांच पीरों ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनके पास रोनेचा पहुंचे तो इन्होंने उन पांच पीरों का स्वागत किया और उनको भोजन के लिए आमंत्रण किया। जब भोजन के लिए उनको आमंत्रित किया, जब भोजन के लिए बैठे तो उन पांच पीरों ने कहा कि हम भोजन तो कर लेंगे लेकिन उससे पहले हम आपका चमत्कार देखना चाहते हैं। और चमत्कार ये कि हम हमारे जो प्याले हैं, जिस प्यालों में हम भोजन करते हैं, वो हमारे जो प्याले हैं विशेष प्याले हैं, और वो प्याले हमारे जो हमारे कटोरे हैं, वो कटोरे हमारे हम मक्का में ही छोड़ के आ गए, हम केवल उन कटोरों के अंदर ही भोजन कर सकते हैं, उन कटोरों के अलावा हम भोजन नहीं कर सकते। जब रामदेव जी से चमत्कार दिखाने के लिए कहा और उन कटोरों की बात कही तो रामदेव जी ने कहा कि आप कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड, कुछ पलों के लिए अपनी आंख मूंद करके बैठिए। उन पांच पीरों ने आंख मूंद करके बैठे, थोड़ी देर में उन पांच के पांच पंच पीरों के सामने, पांचों लोगों के सामने जो मक्का से आए थे, उनके सामने जिसका जैसा कटोरा था वो कटोरा उन सभी पांचों के आगे पांच कटोरे तैयार थे। जब उनके वही कटोरे जो वो मक्का में छोड़ के आए थे वो कटोरे उनके सामने आ गए, उन्होंने उन कटोरों को देखा तो वो हतप्रभ हो गए और उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हो। बोलिए राम सा पीर की जय हो। पीर का मतलब होता है गुरु, मुस्लिम धर्म का शब्द है पीर, हाँ उर्दू शब्द है पीर,
पीर का मतलब होता है गुरु। तो इन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के भी क्या हो, पीर हो। तब से मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो भी इनको नतमस्तक होते हैं, शीश झुकाते हैं और इनको रामसा पीर के रूप में पूजा करते हैं, रामसा पीर के रूप में मनाते हैं। तो ऐसे थे हमारे रामदेव जी। और इसीलिए आज हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म के जो लोग हैं वो सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में इनकी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं। स्थापना। अच्छा, अब बात ये कर रहे हैं कि इन्होंने जो समाधि ली थी, वो ध्यान रखना, इन्होंने जीवित समाधि ली थी। ऐसे लोग देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, तो जीवित समाधि लेने वाले लोक देवता थे रामदेव जी। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं कि ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी थे। लोक देवता होने के साथ साथ क्या थे, कवि भी थे। और इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक जो है वो है 24 बाणियां। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 24 बाणियां क्या है, तो रामदेव जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है 24 बाणियां। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो लोक देवता होने के साथ साथ क्या थे, कवि भी थे। मैं आपको बता चुका कि कांवड़िया पंथ के संस्थापक, यहां बार बार बताने का रीजन यही कि क्वेश्चन घूम फिर के इनसे आते रहते हैं। तो कांवड़िया पंथ के जो संस्थापक थे, कांवड़िया पंथ की स्थापना करने वाले थे, वो कौन थे, वो थे रामदेव जी। वो कौन थे, रामदेव जी। क्यों कि कांवड़िया पंथ की स्थापना, तो स्थापना इसलिए की ताकि अछूतों का उद्धार हो। ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं राम सरोवर। राम सरोवर की जो पाल है, उसी राम सरोवर की पाल जिसे हम दीवार कहते हैं, उसी राम सरोवर की पाल पर रामदेव जी ने, और रामदेव जी से कुछ ही दूरी पर इनकी जो धर्म बहन थी डाली बाई, उन्होंने समाधि ली। तो ये राम सरोवर है। ठीक है। रिखिया। रिखिया मैंने बताया कि मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, मेघवाल जाति के भक्तों को हम क्या कहते हैं बच्चों, मेघवाल जाति के जो इनके भक्त हैं उन्हें हम रिखिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, रिखिया। ये वोकैबुलरीज के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं कि रिखिया क्या है। तो रिखिया रामदेव जी के भक्त हैं, मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा गया, रिखिया कहा गया। दूसरी चीज कि रात्रि जागरण। आपको मैंने शुरू में बताया था कि बाबेरी बीज से लेकर के और एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो मेला लगता है, उस मेले में रात्रि जागरण होता है। और रात्रि जागरण जो होता है, उस रात्रि जागरण में उस रात्रि जागरण को क्या कहते हैं, तो उस रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। उस रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उस रात्रि जागरण को, जम्मा। तो अब रात्रि जागरण जो होता है उसे क्या कहते हैं, जम्मा। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखने वाली जो बात है, ये बात मैं आपको बता दी इनको आपके बारे में, कि घोड़ा जो इनका है, इनको लीला घोड़ा रा असवार भी कहा जाता है। ठीक है। इनके घोड़े का रंग अक्सर पूछ ले जाता है कि रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था, तो लीला घोड़ा कहा जाता है कि लीला घोड़ा रा असवार। तो लीला घोड़े पे कौन सवार थे, तो लीला घोड़े के असवार जो कहे जाते हैं वो रामदेव जी कहा जाता है। अच्छा, ये आपको बता चुका। अच्छा, घोड़े संबंधित एक चीज और भी है। रामदेव जी को घोड़ा बहुत पसंद था। ठीक है। बचपन में इन्होंने एक चमत्कार दिखाया था। वो चमत्कार ही दिखाया था कि जब ये छोटे थे बाल्यावस्था में, तो ऐसा कहते हैं कि इनको एक घोड़े का गिफ्ट दिया गया। घोड़े जो होता है छोटा सा घोड़ा बना हुआ, उस कपड़े का घोड़ा गिफ्ट किया गया। तो इन्होंने क्या किया, उस कपड़े के घोड़े पे बैठ करके आसमान में ऊंचे उड़ गए थे। तो ऐसे कहते हैं कि आप कपड़े के घोड़े पे बैठ करके जब ये उड़े, मतलब उठे धरती से ऊपर उठे, तो लोगों ने इसको देखा तो बड़ा ताजुब किया। तो ऐसे कहते हैं उसी याद में आज भी रामदेव जी को कपड़े का घोड़ा भेंट किया जाता है। कपड़े का घोड़ा, अगर आप रामदेवरा जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे आपको कपड़े के जो घोड़े हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो कपड़े का घोड़ा आज भी रामदेव जी जो है उनकी जो पूजा में जो प्रसाद नारियल वगैरह जो चढ़ते हैं, उनके साथ साथ में उनको नेजा और जो ये कपड़े का जो घोड़ा ये चढ़ाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कपड़े का घोड़ा
किस लोक देवता पर चढ़ाया जाता है, तो कपड़े का घोड़ा रामदेव जी के चढ़ता है। ठीक है, दूसरी बात कि अच्छा एक बात और बता रहा हूं कि जो आपके रम्मत लोक नाट्य है, रम्मत का नाम सुना होगा, रम्मत जो लोक नाट्य है, रम्मत लोक नाट्य शुरू होने से पहले, आज भी रम्मत लोक नाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। रम्मत लोक नाट्य जब शुरू होता है तो किसके गीत गाए जाते हैं, तो रम्मत लोक नाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरा जो आपको पॉइंट बता रहा हूं एक और वो है दूसरा जो पॉइंट आपको बता रहा हूं वो है शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या है, सुनो, देखो भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यहां पर सभी धर्मों को मान्यता दी गई है, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ यहां पर कुछ ऐसे मुस्लिम आक्रांता आए, ठीक है, और मुस्लिम आक्रांता जो यहां पर आए उन्होंने यहां पर आकर के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का काम किया, जैसे जिनमें आप जानते हो औरंगजेब का नाम तो सर्वोपरि है, ऊपर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बल का प्रयोग करके उन्होंने जोर जबरदस्ती करके हिंदुओं को जो था उनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। तो ऐसे मुस्लिम जो जबरदस्ती मुस्लिम बने थे, ठीक है, तो रामदेव जी ने उनको पुनः वापस हिंदू बनाया और उनका शुद्धिकरण करवाया। तो शुद्धि आंदोलन चलाने वाले जो व्यक्ति थे, जो लोक देवता थे, वो थे रामदेव जी, जिन्होंने वापस जबरदस्ती बने मुस्लिमों को क्या बनाया, हिंदू बनाया। ठीक है, आगे बात करते हैं रामदेव जी के भक्त। देखो रामदेव जी के वैसे भक्तों की संख्या बहुत है ना, लेकिन रामदेव जी के तीन प्रमुख भक्त थे, और तीन प्रमुख भक्त थे उनमें से एक तो था रत्ना बंजारा। रत्ना रायका, लक्की बंजारा, रत्ना रायका, लक्की बंजारा और हरजी भाटी, हरजी भाटी। देखिए ये जो हैं, ये इनके तीन भक्त थे। तीन भक्त कौन कौन थे, तीन भक्त थे रत्ना रायका, ठीक है, लक्की बंजारा और हरजी भाटी। ये तीन इनके सबसे पहले बनने वाले तीन प्रमुख भक्त थे। और इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ साथ में कि एक लोक देवता और भी हैं। हमने बात की थी इनके परिवार की, और इनके परिवार में हमने अजमल जी के बारे में बात की थी, मैनादेव के बारे में बात की थी, वीरम देव जी के बारे में बात की थी, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं हड़बूजी। हड़बूजी जो लोक देवता हैं, हड़बूजी और रामदेव जी के बीच क्या संबंध है, तो हड़बूजी जो लोक देवता है, ठीक है, हड़बूजी और रामदेव जी, हड़बूजी और रामदेव जी, ये दोनों जो है ये मौसेरे भाई हैं। कैसे भाई हैं, ध्यान रखना, रामदेव जी और हड़बू जी के बीच जो संबंध है, रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जाना, कि रामदेव जी और रामदेव जी के बारे में वो तमाम बातें जो कि आवश्यक थी अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस, कंपटीशन के इस दौर के अंदर जो चीज आपके लिए आवश्यक थी उन सभी बातों को बताने का प्रयास किया।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और शत शत नमन करता हूं मैं रामदेव जी के श्री चरणों में, और नमन करता हूं सभी भक्तों को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।